वेल स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। काफ़ी टाइम पर जिम आके अच्छा लग रहा है। बॉडी में जितने भी ग्लाइकोजन रिजर्व से यानी कि जो कैलोरीज राइट जो बर्न नहीं कर पाए थे, आज बैक का वर्कआउट करते हैं, अच्छे से वर्कआउट करते हैं। आयान अभी स्कूल में ही है, उसका शायद 7th और 8th पीरियड चल रहा होगा, मे बी अभी तो स्कूल का स्टूडेंट है। डॉक्टर ने सजेस्ट करा था कि 4-5 दिन का आपको बफर लेना है, आपको बिल्कुल भी जिम नहीं करनी है, हैवी वेट्स नहीं करने हैं, तो आज छठवा दिन है बेसिकली। हालांकि इन दिनों डाइट अच्छे लेवल में फॉलो करी थी, बट कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से कैलोरी बर्न नहीं हो पाई, राइट। जो वेट ट्रेनिंग होती है, वेट ट्रेनिंग में कैलोरी बर्न करने का मज़ा ही अलग है। ऑफकोर्स पूरे के पूरे दिन भर आपकी बॉडी में इम्पैक्ट रहता ही रहता है। तो पुल अप से स्टार्ट करते हैं, फिर 3 से 4 एक्सरसाइज करेंगे और निकलेंगे यहाँ से फटाफट कर। म्यूजिक से बहुत एलर्जी है मेरे को, स्पेशली जिम में, और स्पेशली ये वाला जो जॉनर चल रहा है अभी। इस जॉनर को पसंद करने वाले ऑडियंस से मेरे को एक्चुअल में कोई इशू नहीं है, बट सबका अपना अपना होता है। थोड़ा शांति में वर्कआउट करने में मज़ा आता है, तो अगर आपको ये वाला जॉनर पसंद है तो एंजॉय द म्यूजिक, अदरवाइज झेल लेना। हेलो, कैसा भाई? हाँ बस निकल रहा हूँ ब्रो, बस। सो गाइस देखो, अयान अभी आया, राइट। मेरा जिम का सेशन खत्म हो चुका है, अयान अभी आया, बहुत टाइम बाद मैं मिल रहा हूँ इससे। कि शायद जब मैं आया था ना, तब तेरा 7th और 8th पीरियड चल रहा होगा लॉजिकली, मतलब 6th पीरियड के आसपास चल रहा है। तो गाइस इसका 6th पीरियड चल रहा था उस टाइम पे। कौन सा पीरियड, कौन सब्जेक्ट होता है 6th पीरियड में? केमिस्ट्री। सो गाइस ये केमिस्ट्री पढ़ रहा था उस टाइम पे जब मैंने वर्कआउट हिट करा था। सो गाइस आज ये लेग स्ट्रेन करने वाला है, और अभी मैं फटाफट से जाऊँगा डाइटोस। यहाँ फटाफट से मैं हितेश को कॉल करने वाला हूँ कि भाई फटाफट से मेरा मील तैयार कर ले भाई, मस्त वार्म अप करेगा यहाँ पे। 3 एक्सरसाइज में अपने आपको सेटिस्फाई कर ले, क्योंकि शुरुआत करनी थी, राइट। दोबारा से स्टार्ट करना था, काफ़ी टाइम का गैप आ गया था। हाँ, तो काफ़ी अच्छा लगा जिम करके, हमेशा अच्छा ही लगता है। जो लोग जिम नहीं करते हैं तो उनको मैं कहता हूँ कि जिम भाई आज ही हिट करो, आज ही हिट करो, एक्चुअल में पीस है। सो गाइस आज मेरा वीक ऑफ है, ऑफकोर्स थोड़ी सी मैंने बैक की एक्सरसाइज करी थी, वो बस थोड़ा रिटर्न बैक करने के लिए कि क्या रिस्पॉन्स होता है, कैसे होता है। तो मैंने 3-4 बाकी एक्सरसाइज करी थी, फिर मैं कहीं काम से निकल गया था, डाइटोज नहीं हो पाया। आज डाइटोज नहीं हो पाया क्योंकि अचानक एक कॉल आ गया और मेरे को निकलना पड़ गया, कहीं फंक्शन था और उनका अचानक से कॉल आया मेरे को कि एटलीस्ट अटेंड कर लो। वहाँ लिटरली मैंने खाना भी नहीं खाया। अभी मैं लिटरली ऐसी जगह में हूँ जहाँ पे कहीं भी डाइट फूड अवेलेबल है ही नहीं, राइट। पूरा का पूरा मैंने एरिया छान मारा, इस एरिया में कहीं भी उबले अंडे तक नहीं मिल रहे, मुझे पता नहीं कैसा एरिया है। अभी मैं लिटरली ग्रेटर नोएडा की एक ऐसी जगह में हूँ जहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े फूड आउटलेट्स हैं, जैसे कि पिज्ज़ा हट हो गया, बर्गर किंग हो गया, मैकडी हो गया। तो घूम फिर के मेरे को नज़ीर मिला, नज़ीर आप सभी को पता है, इट्स अगेन नॉन वेज क्यूज़िन आउटलेट। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने ऑर्डर करा है चिकन टकाटक रोल एंड चिकन बिरयानी। बैक का वर्कआउट कम्प्लीट करते मैं डाइट हाउस जाने ही वाला था, रेस मैंने दिन में वर्कआउट करा था, एंड उसके बाद फटाफट से अचानक से कॉल आया और मेरे को अर्जेंटली निकलना पड़ गया। वहाँ पे चीज़ें कुछ इस तरीके से मैनेज ही नहीं हो पाई कि मेरे को डाइट लेनी पड़े, फ्रेंड के घर में बॉयल चिकन तो मिलेगा नहीं, राइट। थैंक यू सो मच। सो गाइस दिस इज़ रायता, दिस इज़ चिकन बिरयानी, एंड दिस इज़ मी। अभी मैं जैसे ही वहाँ से फारिग हुआ या वहाँ से फ्री हुआ, तो मैं फटाफट से नज़ीर आ गया। नज़ीर से ही मेरे को थोड़ा लेस शीट वाला आइटम मिलेगा। मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा भूख लगी, मैं दिन से खाना नहीं खाया और अभी ऑलमोस्ट बच चुके हैं रात के 8। इन्जॉय करते हैं, इस बहाने कहीं ना कहीं मैं बाहर का थोड़ा चेंज कर पा रहा हूँ अपना। तो यस, फटाफट से इस फूड को इन्जॉय करते हैं। मैंने इनसे पहले कंफर्म कर लिया था ये मैदा है या आटा है, तो उन्होंने बोला था ये वीट वाला है, इसके अंदर मैश चिकन है, इसके अंदर मैश चिकन है, आप देख सकते हैं, इट्स अ मैश्ड चिकन। मुझे नहीं पता कि कितनी क्वांटिटी में है, मैंने इनसे पूछा भी था कितनी क्वांटिटी में है, तो ये मेरा मुंह ताड़ने लगा, कह रहा क्वांटिटी ये कौन मेजर करता है। तो मैं मनी मन कह रहा कि मैं मेजर करता हूँ। सो यस, लेट्स एन्जॉय, थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा अलग, बट अगेन फुल ऑफ प्रोटीन, क्योंकि इसके अंदर चिकन ब्रेस्ट की स्टफिंग। इन्होंने हरी चटनी भी दी है गाइस, गाइस ये बिरयानी क्या लग रही है, अमेजिंग।
गाइस ये चिकन सीरियसली अलग वाइब बांध रहा है, सच में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो